भारत के मंदिर दुनिया भर में मशहूर है। मंदिरों की साज सज्जा, उनसे जुड़े पौराणिक कथाएं और मूर्तियों की बनावट भक्तों को आश्चर्यचकित करने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। अभी तक आपने कई प्राचीन मंदिरों और उनसे जुड़े किस्से सुने होंगे। कुछ मंदिर प्राचीन काल के किसी रहस्य के कारण प्रसिद्ध होते हैं, तो वहीं कुछ अपने चमत्कारों के लिए जाने जाते हैं। गुजरात का ऐसा ही एक खास मंदिर अपने एक अनोखे चमत्कार के लिए काफी मशहूर है। जानेंगे इसी मंदिर के बारे में। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत में भगवान शिव के कई शिव मंदिर है। गुजरात का स्तंभेश्वर महादेव मंदिर अपने एक अनोखे चमत्कार के लिए मशहूर है। दरअसल भगवान शिव का यह मंदिर दिन में दो बार अपने भक्तों को दर्शन देने के बाद समुद्र की गोद में समा जाता है। यह खास मंदिर गुजरात के कावी कंबोई गांव में स्थित है। यह गांव अरब सागर के मध्य कैम्बी तट पर है। यह चमत्कारिक मंदिर सुबह और शाम दिन में सिर्फ दो बार ही नजर आता है। शिवजी के भक्तों को उनके दर्शन करवाने के बाद यह मंदिर समुद्र में लुप्त हो जाता है। कहा जाता है कि यह मंदिर किसी के प्राश्चित करने का नतीजा है, जिसका उल्लेख शिव पुराण में मिलता है, पर इसी वजह से यह गायब हो जाता है। शिव पुराण के अनुसार ताड़कासुर नामक एक असुर ने भगवान शिव को अपने तपस्या से प्रसन्न किया था। इसके बदले में शिवजी ने उसे इच्छा अनुसार वरदान दिया था। वरदान के अनुसार उस असुर को शिव पुत्र के अलावा कोई नहीं मार सकता था। हालांकि शिव पुत्र की आयु भी सिर्फ 6 दिन ही होनी चाहिए। यह वरदान हासिल करने के बाद ताड़कासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। इससे परेशान होकर सभी देवता और ऋषि मुनियों ने शिवजी से उसका वध करने की प्रार्थना की थी। उनकी प्रार्थना स्वीकृत होने के बाद श्वेत पर्वत कुंड से 6 दिन के कार्तिकेय उत्पन्न हुए थे। कार्तिकेय ने उनका वध तो कर दिया था, पर बाद में उस असुर के शिव भक्त होने की जानकारी मिलने पर बेहद शर्मिंदगी का एहसास हुआ था। कार्तिकेय को जब शर्मिंदगी का एहसास हुआ था तो उन्होंने भगवान विष्णु से प्रायश्चित करने का उपाय पूछा था। इस पर भगवान विष्णु ने उन्हें उस जगह पर एक शिवलिंग स्थापित करने का उपाय सुझाया था, जहां उन्हें रोजाना माफी मांगनी होगी। इस तरह से उस जगह पर शिवलिंग की स्थापना हुई थी, जिसे बाद में स्तंभेश्वर महादेव के नाम से जाना गया। यह मंदिर रोजाना समुद्र में डूब जाता है और फिर वापिस आकर अपने किए की माफी मांगता है। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर में हर शिवरात्रि और अमावस्या पर खास मेला लगता है। भले ही भारत में समुद्र के अंदर कई तीर्थ स्थल है, लेकिन उनमें ऐसा कोई मंदिर नहीं है जो पानी में पूरी तरह से डूब जाता है। लेकिन स्तंभेश्वर महादेव मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो दिन में दो बार समुद्र में समा जाता है, और इसी वजह से यह मंदिर इतना अनोखा है। इस मंदिर में लोग दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं, और कहा जाता है कि सच्चे मन से अगर शिवलिंग का अभिषेक किया जाए तो भक्तगणों की सभी मनोकामना जल्द पूरी होती है। वीडियो में बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।